नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा आज का जो वीडियो है टेस्ट पेपर 11 है और जो है मूल रूप से TGT कला के लिए है, यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट के लिए फाइनली ये वीडियो है। तो अगर आप लोग प्राविधिक कला का पेपर दे चुके हैं, पेपर अच्छा हो गया है, तो अब फाइनली आपको TGT आर्ट की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि प्राविधिक करने का मुख्य उद्देश्य आपका यही है कि किसी तरह से उत्तर प्रदेश में TGT की भर्ती आए, उसमें हम लोग आर्ट वाले सेशन में पार्टिसिपेट करें और निश्चित रूप से अपनी एक सीट पक्की करें। तो भर्ती का काम चल रहा है, अध्याचन का काम चल रहा है, इस टाइम जो है अध्याचन मांगे गए हैं और सभी जो है जिला मुख्यालयों से जो है अध्याचन का काम चल रहा है। जल्द ही आयोग के पास अध्याचन का काम कंप्लीट हो जाएगा और फाइनली मंत्रिपरिषद में इसकी बहस होगी, बात चलेगी और जो है मंत्री जी इस पर डिसीजन लेंगे, मुख्यमंत्री को जो है इस पर आश्वासन देना होगा, उसके बाद फाइनली आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो नोटिफिकेशन का पूरा काम लगभग 30 दिन में हमें लगता है हो जाने वाला है और आप भी जानते हैं 30 से 35 दिन के अंदर आपका जो है रिजल्ट भी आ जाएगा। परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, 30 से 35 दिन में आपका अगर रिजल्ट आ जाता है तो भी परेशान मत होइए, अगर नहीं आता है तो भी परेशान मत होइए। मान लो 30 दिन बाद नोटिफिकेशन आया तो 30 दिन उसको अप्लाई करने के लिए डेट रहती है, तो 60 दिन का समय हो गया और 60 दिन में निश्चित रूप से आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपके हाथ में मार्कशीट हो जाएगी और आराम से जो है आप इसमें पार्टिसिपेट कर ले जाएंगे। तो फिलहाल आपको पूरा का पूरा ध्यान जो है वो तैयारी पर देना है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न की, क्योंकि हम लोग इससे पहले 10 वीडियो देख चुके हैं जहां पे 20-20 प्रश्न पूछे गए, सभी के सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर से हैं, तो सभी के सभी प्रश्नों को सीरियसली लेना है, हल्के में नहीं लेना है, नोट डाउन कर लेना है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग पेन पेपर उठा के बैठ गए होंगे, ठीक है। तो नोट डाउन करते हुए तैयारी आगे बढ़ानी है, आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है परली आँख किस शैली के चित्रों की विशेषता है? ऑप्शन से मुगल, अपभ्रंश, पहाड़ी या फिर राजस्थानी। तो अपभ्रंश शैली में मूल रूप से परली आँख शैली की जो है विशेषता को दर्शाया गया है। इसमें सवा चश्मा और डेढ़ चश्मा भी मुख्य रूप से जो है चित्रण दर्शाया गया है। तो सवा चश्मा भी डेढ़ चश्मा जैसी आँखें भी दर्शाई गई हैं, बाहर की निकली हुई आँखें इसमें दिखाई जाती हैं। अपभ्रंश शैली की मुख्यतः ये विशेषता रही है। राइट आंसर हो जा रहा है सी, नोट डाउन अवश्य कर लेना है, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है षडांग किससे संबंधित है? ऑप्शन हैं चित्रकला, वस्त्र, मूर्ति कला या फिर स्थापत्य कला। षडांग आप सब जानते हैं, षडांग का संबंध किससे है? तो षडांग का मूल रूप से संबंध किससे है? चित्रकला से है। षडांग का संबंध मूल रूप से चित्रकला से है, ठीक है। और चित्रकला में षडांग, यशोधर पंडित ने लगभग 11वीं शताब्दी में कामसूत्र पे एक टीका लिखा। कामसूत्र के रचयिता वात्स्यायन जी हैं, वात्स्यायन, ठीक है। तो वात्स्यायन ने कामसूत्र को लिखा और कामसूत्र में एक टीका लिखा गया पंडित यशोधर के द्वारा। पंडित यशोधर ने एक टीका लिखा जिसे जयमंगला नाम दिया। जयमंगला जो है टीका निकला कामसूत्र का और उसमें कुछ विशेष नाम बताए गए। प्रथम अधिकरण के 3रे अध्याय में टीका करते हुए पंडित यशोधर ने कहा है कि आलेख जो है चित्रकला के 6 अंग बताए हैं, आलेखन या फिर चित्रकला के टोटल 6 अंग बताए हैं। 6 अंग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले रूप भेद, ध्यान रखना है, नोट डाउन कर लेना है। रूप भेद पहला है, रूप भेद, इसे कई बार क्रम से पूछा गया है। प्रमाण दूसरा है, भाव तीसरा है, लावण्य योजना चौथा है। लावण्य योजना के बाद क्या आता है? सादृश्य आता है। तो सादृश्य पांचवा है और मूल रूप से सबसे अंतिम वाला आता है वर्णिका भंग, तो वर्णिका भंग छठवां है। वर्णिका भंग छठवां है। जो लोग पेड ग्रुप में जुड़ चुके हैं वो लोग भी वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको ये पेड ग्रुप में जो है इसका
पीडीएफ रूप मिल गया तो आप केवल और केवल 20 ही प्रश्न तैयार करेंगे। अगर उसकी व्याख्या देखते हैं तो निश्चित रूप से हमें लगता है लगभग 40 प्रश्न 50 प्रश्न आपके तैयार हो जाते हैं। बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि ये 20 प्रश्नों का जो दायरा है इसे बढ़ा दिया जाए, लगभग 30 से 50 प्रश्न कर दिया जाए। तो अगर मैं 50 प्रश्न कर देता हूँ तो प्रैक्टिस तो आपकी बहुत जल्दी हो जाएगी, लेकिन हमें नहीं लगता 50 प्रश्न पर डे आप याद कर पाएंगे। तो जो लोग मेहनत करने वाले बंदे हैं वो कहते हैं सर 20 प्रश्न बहुत है, आप 20 प्रश्न कराते हैं, इसकी प्रैक्टिस हम लोग कर लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। पर डे हमारा 20 प्रश्न तैयार होते जा रहा है, 11 दिन हो गया, 220 प्रश्न हमारे तैयार हो गए हैं। ठीक है, तो इस टाइप से अगर आप रणनीति बनाते हैं तो निश्चित रूप से आपका एक सीट पक्का हो जाएगा। तो बेटा षडांग का संबंध किससे है? चित्रकला से है। आपने देखा कामसूत्र के बारे में जाना, कामसूत्र के रचयिता कौन है कई बार पूछा गया, जयमंगला के बारे में जाना रचयिता कौन है पूछा गया, 2021 में जयमंगला भी पूछा गया था। ठीक है, और टोटल चित्रकला के 6 अंग बताए गए हैं, कौन कौन से हैं? रूप भेद, प्रमाण भाव, लावण योजना, सादृश्य और वर्णिका भंग। तो इन सब पे हमने विशेष बात की है। राइट आंसर फर्स्ट बन रहा है, नोट डाउन सबको कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपको टेस्ट पेपर में मिलते रहेंगे। प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं, पाल शैली के चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? तो पाल शैली के चित्रों का प्रमुख विषय क्या रहा है? ऑप्शन हैं बौद्ध, रंगमाला, बारहमास या फिर सिंगार। तो बेटा पाल शैली के चित्रों का जो मुख्य विषय रहा है वो मूल रूप से बौद्ध कथाएं रही हैं, बौद्ध कथाएं। राइट आंसर फर्स्ट बन जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है राग रागनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ है? ऑप्शन हैं पाल शैली, मुगल शैली, कांगड़ा शैली या फिर राजस्थानी शैली। तो राग रागनियों के अंकन का जो है सबसे ज़्यादा प्रमाण राजस्थानी शैली में मिला है। बेटा मैं एक क्वेरी चाहता हूँ, आप लोग वीडियो शेयर करते हैं या नहीं शेयर करते ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें नहीं लगता कि आप लोग वीडियो शेयर करते हैं। किससे? स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था तो इस पर लगभग 19,000 व्यू आए थे, और आज की डेट में लगभग ये 2500, 3000, 3500, 4000 के बीच में व्यू आ रहे हैं, बहुत उड़ के 6000 व्यू आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो एक बार शेयर कर दिया करिए, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके पास ये वीडियो पहुँच जाए, जिससे वो लोग भी लाभान्वित हो पाएँ। मैं चाहता हूँ कोई पैसे की अभाव में तैयारी से वंचित ना रह जाए, ऐसी हमारी जो है सोच है। ठीक है, बहुत सारे मैसेज आते हैं तो लोग कहते हैं सर पहली बार हमें पता चला और इसलिए थोड़ी सी लेट हो गई है, फिलहाल इस बार वैकेंसी में हम सर आपको फाइनल सिलेक्शन दे करके ही अपना नाम रोशन करेंगे। तो अच्छी बात है, अगर ऐसी सोच है तो निश्चित रूप से वो सफल होंगे। मेहनत करना है, अगर मेहनत करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता उनकी कदम चूमेगी। प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं, शिकार के चित्र किस शैली में सबसे अधिक बने हैं? ऑप्शंस हैं पहाड़ी शैली, कंपनी शैली, मुगल शैली या फिर बूंदी शैली। राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? तो मुगल शैली में सबसे ज़्यादा जो है शिकारी के चित्र बनाए गए हैं। आखेटक का चित्र सबसे ज़्यादा मुगल शैली में बनाया गया है, आखेटक या फिर शिकारी। राइट आंसर बी बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, मुगल चित्रकला में हिंदुओं विषयों पर पोषक कौन था? यानी हिंदुओं विषयों पे सबसे ज़्यादा चित्र किसने बनवाया या उसको उभारने का कार्य किसने किया? ऑप्शन से बाबर, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनपढ़ राजा अकबर। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा चुका है, कौन सा राजा ऐसा है जो अनपढ़ है? तो राइट आंसर अकबर ही बनेंगे, क्योंकि मुगल शैली में अकबर एकमात्र ऐसा राजा है जो अनपढ़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है अपने राज्य को विस्तारित किया और स्थापत्य कला में भी अपना नाम रखा है, चित्रकला में भी विशेष रुचि रखता था। मुखौटा बनवाने का काम अकबर ने ही स्टार्ट किया था, ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं, पूछा गया है आरंभिक ग्रंथ चित्र किस पर बने हैं? ऑप्शंस हैं ताड़पत्र, चर्म, कागज या फिर वस्त्र। तो बेटा सबसे पहले आरंभ काल में जो है चित्रों की बात की जाए तो वो ताड़पत्रों पे बनते थे, ताड़पत्र फर्स्ट इज द राइट आंसर बन रहा है, ध्यान रखना है, नोट डाउन अवश्य कर लेना है। प्रश्न संख्या 8, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, अजंता की चित्रकला किस चित्रकला के उदाहरण के रूप में जानी जाती है? ऑप्शंस है म्यूरल, तैल, ग्राफिक या फिर फ्रेस्को। तो अजंता की चित्रकला मूल रूप से किस रूप में जानी जाती है? फ्रेस्को या फिर टेम्परा तकनीकी। तो फ्रेस्को तकनीकी में मूल रूप से अजंता की चित्रकला को हम लोग जानते हैं। जो है फ्रेस्को तकनीकी मिश्रण रूप है लगभग टेम्परा तकनीकी के।
टेम्परा और फ्रेस्को में काफ़ी समानताएं हैं। तो अजंता की चित्रकला फ्रेस्को तकनीकी पे आधारित है। जो आपको बुक प्रोवाइड करी गई है उसमें बहुत अच्छे से फ्रेस्को बोनो सभी पे विशेष बात की गई है, उसे आपको बार बार पढ़ते रहना है तो आपका सिलेबस जो है बहुत हद तक आपके समझ में आ जाएगा। कैसे कवर करना है इस पर तो आपको वीडियो मिल ही रहा है, क्लास हो ही रही है, ठीक है। तो जो क्लास हो रही है क्लास के बारे में ज़रूर बताएँ कैसी है, पीयूष सर क्लास ले रहे हैं इस टाइम, ठीक है, तो उनका रिस्पॉन्स ज़रूर बताइएगा। प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं, पूछा गया है मिर्जापुर किन चित्रों का कला केंद्र है। ऑप्शन है प्रागैतिहासिक, अवधि, मुगल या फिर राजस्थानी। तो मिर्जापुर मूल रूप से किन चित्रों के कला केंद्र के रूप में उभरा है, तो आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है और आपने पढ़ा है। मूल रूप से प्रागैतिहासिक कला के रूप में जाना जाता है। घायल सुअर सबसे मार्मिक दृश्य है मिर्जापुर का, घायल सुअर, ठीक है, नोट डाउन करते रहना है क्योंकि आपकी तैयारी ही सब कुछ कराएगी। प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं, पूछा गया है प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है। ऑप्शन है रेखा, रेखा रंग, रंग और प्रकृति। तो यहाँ देखने पे आपको लगेगा कि राइट आंसर क्या होगा, लेकिन प्रागैतिहासिक चित्रों में मूल रूप से सबसे ज़्यादा प्रधानता किसकी थी बेटा, तो मैंने बार बार कहा था रेखाओं की प्रधानता थी, क्योंकि रेखाएं कई जगह वक्राकार हुआ करती थी, कई जगह घनाकार हुआ करती थी और कई जगह सीधी रेखा हुआ करती थी। तो प्रागैतिहासिक चित्रकला को हमने अच्छे से पढ़ा, उसमें रेखाओं का कैसा महत्व था, तो सीधी रेखाओं के बारे में खास बात हुई है, इसलिए स्पेशल रेखा ही इसका राइट आंसर बनेगा, फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 कह रहा है अपने पिंक पीरियड के लिए कौन प्रसिद्ध है। पिंक माने गुलाबी पीरियड के लिए जाना जाता है, गुलाबी काल के लिए जाना जाता है। ऑप्शंस हैं गैगेन, सीजेन, वैन गोथ या फिर पिकासो। तो पिंक के लिए पिकासो को जाना जाता है, पासे पिंक पासे पिकासो। पिकासो जो है 1905 ईस्वी में लगभग सन 1905 में नीले के जगह गुलाबी रंगों का प्रयोग करना स्टार्ट कर दी थी। तो पहले नीले रंग का प्रयोग करते थे, बाद में गुलाबी रंगों का प्रयोग स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। तो पिकासो इसके राइट आंसर बनेंगे, पिंक पीरियड के लिए पिकासो को जाना जाता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 की बात करते हैं, पूछा गया है अमृता शेरगिल की माँ थी। तो बेटा अमृता शेरगिल की माँ और पिताजी के बारे में अगर बात करें तो पिताजी मूल रूप से भारतीय थे, भारतीय, और माताजी उनकी विदेशी थी। क्वेश्चंस पूछा गया है कहाँ की थी। ऑप्शंस में है अमेरिका, हंगरियन, भारतीय या फिर अंग्रेज। तो मूल रूप से हंगरियन, हंगरियन रूप में जानी जाती हैं, बुडापेस्ट इसकी राजधानी है, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। तो मूल रूप से अमृता शेरगिल की माँ कहाँ की थी, तो हंगरी की थी। अमृता शेरगिल जो है 1913 में इनका जन्म होता है, ठीक है, और माताजी हंगरी की हैं, पिताजी भारतीय मूल के हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं, पूछा गया है राम किंकर बैज का सबसे प्रसिद्ध कार्य कौन सा है। राम किंकर बैज का सबसे प्रसिद्ध कार्य कौन सा है। ऑप्शंस हैं न्यूड फेम्ड, पहाड़ी परिवार, राजस्थानी परिवार या फिर संथाल परिवार। तो राम किंकर बैज साहब फेमस हुए हैं संथाल परिवार का दृश्य बना करके, राइट आंसर सी हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, पूछा गया है थ्रू द आइज ऑफ एन आर्टिस्ट फिल्म किसने बनाई। कल इस पर हमने विशेष चर्चा की थी, टेस्ट पेपर 10 में हमने बताया था कि थ्रू द आइज ऑफ एन आर्टिस्ट जो है फिल्म बनाई है उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने फिल्म भी बनाया था। ऑप्शंस क्या हो गया था, मकबूल फिदा हुसैन, राइट आंसर बी बनेंगे। तो ये सभी का सही गया होगा अगर आपने टेस्ट पेपर 10 दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, पूछा गया है प्रसिद्ध चित्र जमीन किसका बनाया हुआ है। ऑप्शन हैं तैयब मेहता, मकबूल फिदा हुसैन, के एच आरा या फिर एस एच रजा। तो जमीन चित्र को बनाने का कार्य किसका है, मकबूल फिदा हुसैन साहब का ही है, मकबूल फिदा हुसैन। इनके अन्य चित्र भी आप देख लीजिए, दो स्त्रियों का संवाद 1957 में बनाते हैं, दो स्त्रियों का संवाद 1957 में बनाते हैं, मकड़ी और लैंप के बीच 1958 में बनाते हैं, मकड़ी और लैंप के बीच 1958 में बनाते हैं ऐसा चित्र। जमीन चित्र 1955 में बनाते हैं, याद रखना है, नोट डाउन कर लीजिए, जमीन चित्र 1955 में बनाते हैं। दुपट्टे में तीन औरतें 1958 में बनाते हैं, दुपट्टे में तीन औरतें 1958 में बनाते हैं, जबकि नीली रात 1959 में बनाते हैं। कौन सी नीली रात चित्र जो है कई बार पूछा गया है,
1959 में बनाते हैं, और घोड़ा नामक एक महत्वपूर्ण चित्र है 1958 में बनाते हैं। तो घोड़ा नामक महत्वपूर्ण चित्र 1958 में बनाते हैं। सभी चित्र पूछे जा चुके हैं, चाहे घोड़ा हो, नीली रात हो, दुपट्टे में तीन औरतें हों, या फिर जमीन हो, या फिर मकड़ी और लैंप के बीच हो, या फिर दो स्त्रियों का संवाद हो, सभी पूछा जा चुका है। सभी चित्र याद रखना है, मकबूल फिदा हुसैन साहब ने ही बनाया है। राइट आंसर मकबूल फिदा हुसैन ही बनेंगे। सबको नोट डाउन कर लेना है क्रमवाइज, ठीक है। राइट आंसर भी हो जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं। 16 में कहा गया है, वह पहला पेंटर कौन था जिसने तैल चित्रांकन आरंभ किया। तैलीय चित्रण का आरंभ किसने किया, उस पेंटर का नाम बताना है। ऑप्शंस हैं लियोनार्ड, जैवानिक, माइकल एंजलो या फिर बिटिसेल्सी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, तो राइट आंसर जैवानिक हो जाएंगे। जैवानिक ने जो है सबसे पहले तैलीय चित्रण प्रारंभ किया था। राइट आंसर सी हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। 17 में पूछा गया है, आयरन पिलर कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, दिल्ली। तो आयरन पिलर कहाँ पे है बेटा, तो आयरन पिलर जो है मूल रूप से दिल्ली में कुतुब मीनार के समीप बनाया गया है। दिल्ली में कुतुब मीनार के समीप बनाया गया है। इसका निर्माण लगभग चंद्रगुप्त सेकंड ने किया है। चंद्रगुप्त सेकंड ने किया है, ध्यान रखना है। कुतुब मीनार के पास बनाया गया है, नई दिल्ली में एस्टेब्लिश है। राइट आंसर डी बन रहा है, आयरन पिलर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। 18 में पूछ लिया गया है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है हम्पी, तंजौर, मदुरई, बेल्लोर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मीनाक्षी मंदिर मूल रूप से जो स्थित है वो मदुरई में स्थित है। मदुरई राइट आंसर बनेगा, बी इज द राइट आंसर। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, जामिनी राय का पेंटिंग किस माध्यम में बना है या बनी है। ऑप्शंस हैं वास, टेम्परा, आयल या फिर आयल पेस्टल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यामिनी राय का मूल रूप से जो पेंटिंग है वो टेम्परा तकनीकी में सबसे ज़्यादा बनाया गया है। राइट आंसर हो रहा है सी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, कितने प्रश्न आप लोगों के सही जाते हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है। बेटा वीडियो एक बार शेयर कर दिया करिए, जिससे ज़रूरतमंद लोगों के बीच भी पहुंच सके, ठीक है। एलिफेंटा गुफाएं किससे घिरी हुई हैं। ऑप्शन से पहाड़ों, समुद्रों, नदियों या फिर पहाड़ियों। तो एलिफेंटा की गुफा मूल रूप से कहाँ पर है, मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से मुश्किल से 1 किलोमीटर दूर है। तो मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है और पहाड़ियों से घिरी हुई है, पहाड़ियों से घिरी हुई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर। एलिफेंटा गुफा किससे घिरा है, तो यहाँ पे पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप से कितने प्रश्न आपके सही जाते हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ टाइम से ही ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।